नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नंदा। आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज। सुनते हैं आज की ताजा खबरें। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, आमने सामने चली गोलियां। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर किया था हमला। माधवनगर थाना प्रभारी की गाड़ियों के कांच फूटे। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला, क्राइम CSP विनोद मीणा मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर घायल हो गया। वहीं उसका एक साथी जो कि पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने चली गोलियों में बदमाशों की ओर की गई फायरिंग में माधव नगर थाना प्रभारी की गाड़ी के कांच फूटे और थाना प्रभारी मनीष लोधा बाल बाल बचे। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्यवाही में कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर को गोली लगी। वहीं उसके साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बदमाशों को और गायन थाना प्रभारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा की गाड़ी पर फायरिंग कर पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर घायल हुआ। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही शहर के चार थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अनमोल गुर्जर कुख्यात बदमाश हिस्ट्री शीटर रोशन और रौनक गुर्जर का साथी है। हाल में अनमोल ने दशहरे पर कुछ व्यापारियों से चंदा वसूली की थी, तब उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी माधवनगर मनीष लोधा को एक सूचना प्राप्त थी लगभग 9 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें ये जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश ऐसे हैं जो विक्रम नगर पुल के पास कुछ लोगों को धमका कर उनसे लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी मनीष लोधा और उनकी टीम यहाँ पहुंची और जब यहाँ पहुंचे तो जो बदमाश है वो उनको देखा, जैसे ही गाड़ी से उतर के उनको लड़कारा कि कौन है, तो उस पर जैसे ही चेस उनको लड़कारा उसी दौरान ही उनके बदमाश के एक बदमाश द्वारा गाड़ी पर फायर किया गया और उसके बाद उनको चैलेंज किया गया। चैलेंज किया तो हमने फिर एक दोबारा एक फायर और फायर, इसमें से 2 फायर किए, उसमें पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश जो है उसको गोली लगी, पैर में गोली लगी है। दूसरे पैर में जो बदमाश है उसको पुलिस ने दौड़ के पकड़ लिया है। बदमाश को तत्काल ही भेजा गया है, CH में उसका इलाज शुरू हो चुका है। हमारे पास जो उसकी जो उनसे पूछताछ हुई और जो एक बदमाश हमारे पास है जिसे मालूम पड़ा कि ये अनमोल गुर्जर नाम का एक बदमाश है जो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इसके लगभग 10 अपराध है और 2 अपराधों में ऑलरेडी वांटेड है। एक थाना जीवनगंज में एक अपराध है, उसमें वांटेड था, जिसको पुलिस के द्वारा 5000 रुपए का रिवार्ड था। इसी तरह से थाना माधवनगर में भी एक प्रकरण है जिसमें उसके ऊपर 2000 रुपए का रिवार्ड है। इस तरह से ये 7000 रुपए का रिवार्ड है। जो दूसरा आरोपी है जिससे है उस पर हम पूछताछ कर रहे हैं, तो जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि ये उसके साथ कैसे रहा। और अभी क्योंकि इस घटना का पूरी जो वैज्ञानिक साक्ष्य के हिसाब से FSL टीम ने भी इसका किया है, बैलिस्टिक टीम भी इसमें करेगी जांच करेगी और अभी हम CH हॉस्पिटल जाते हैं उससे और भी पूछताछ करेंगे कि इसमें ये घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और इनके साथ इसका एसोसिएशन है। पूरी इसकी बारीकी से जांच एक पिस्टल अभी बरामद हुई है, आपने देखा यहाँ का समय मिली है, एक पिस्टल बरामद हुई है और उसमें 2 राउंड उसकी तरफ से फायर हुए हैं, तो उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं कि बाकी राउंड कहाँ गए हैं और पुलिस की भी तरफ से 2 राउंड। पुलिस चोरी गई गाड़ी भी चोरी गई, जिसमें मैंने जैसा बताया ना कि जैसे ही चैलेंज किया पुलिस ने उसने जब फायर किया तो गाड़ी में सामने के शीशे से लगते हुए साइड का जो एक मिरर है उससे घटना नहीं, ऐसा की कोई गंभीर किसी चोट नहीं है क्योंकि बाहर की जो चोट नहीं है, क्योंकि थाना प्रभारी माधवनगर के चोटें आई है उनका मेडिकल करा रहे हैं और हमारी जो बाकी पुलिसकर्मी टोटल 7 की एक टीम थी उसमें भी मेडिकल कराएंगे, पर किसी को कोई गंभीर चोट नहीं।